लेकिन फ्रेंड्स मेरा नाम ओमकार और आप देख रहे हैं ओमकार मंटर के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स मैंने कसक वन पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा है। अब हम दूसरी बात करने वाले हैं कसक टू के बारे में, जिसका सेकंड पार्ट रिलीज़ हो चुका था 13 जून को, जो मैंने उसका देखा और उसके ऊपर मैं कुछ रिव्यू देने वाला हूँ आपको। इसका और एक पार्ट आने वाला है कसक 3 में, क्योंकि इसको तीसरे पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। वो 19 जून को रिलीज़ होने वाला है उल्लू ऐप पर, आप देख सकते हो उसे जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया है। चलिए कुछ रिव्यू कर दिए इसका। शीतल उड़ागे जो हॉस्पिटल में जो नर्स का काम करती थी, उसके मर्डर के केस है जो कोर्ट में चल जाती है, और उसे इंसाफ दिलाने के लिए उसकी जो पुरानी दोस्त है वो केस लड़ती है, और वो अब केस को थोड़ा सा पोस्टपोन भी कर देते हैं, क्योंकि जो दोनों टीम है वो कॉमन बातें कर रहे हैं और कोर्ट को भी फैसला लेने थोड़ी सी मदद नहीं मिल रही है। वो कोर्ट भी कंफ्यूज है, इसलिए वो करेक्ट पेंटिंग रहता है। लेकिन आपको कसक 2 में क्या देखने को मिलने वाला है कि जिस डॉक्टर अभय ने शीतल से नफरत की थी पहले पार्ट में, वही उसके प्यार में पड़ जाता है, और उसके प्यार में वो इतना खो जाता है, इतना मतलब गिर जाता है प्यार में, कि वो पूरा प्यार में अंधा हो जाता है शीतल के, और उसका काम पर भी ध्यान नहीं लगता। और खूब सारा सेक्स भी उन्होंने दिखाया है शीतल का और डॉक्टर अभय का, जो आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। अब पार्ट 3 में क्या होने वाला है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पार्ट 3 में शीतल अचानक से गुम हो जाती है, और शीतल की मर्सी किलिंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। शीतल की मर्सी किलिंग होती है उसका जो वर्ड बॉय होता है, मतलब जो सफाई करने वाला होता है, जो आप पार्ट 2 में और पार्ट 1 में आप उसे देखेंगे ही, उसने ही शीतल की जो नर्स मर्सी किलिंग है उसे ही उसने ही की थी, और उसे एक जगह छिपा दिया था, एम्बुलेंस में छिपा दिया था, जिस और डॉक्टर अभय उसे ढूंढ रहे थे लेकिन उसे मिले नहीं, और हालांकि ना मिलने की वजह से उन्होंने वहां से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन मतलब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया वहाँ से, और इस्तीफ़ा देने के बावजूद वो वहाँ से चला जाता है दूसरे अस्पताल में ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पर शीतल मर्सी किले में 37 सालों से पड़ रही होती है। आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा पार्ट 3 में और पार्ट 2 में। तो आप सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इन तीनों पार्ट के रिव्यू मैं आप कर दूंगा, मैं सेकंड पार्ट का कर रहा हूँ, पार्ट 3 का भी कर दूंगा रिलीज़ होने के बाद। आपको बस करना क्या है, ओमकार मंटर को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हो सके तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना है, क्योंकि क्या है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है पार्ट 3 बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपको मैं अगले किसी एक से नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में आपको मिलूँगा। सब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। और हाँ, आपको मैं एक और नोटिस करना चाहता हूँ कि उल्लू ऐप का सब्सक्रिप्शन अभी भी चालू है, किसी को लेना है चाहिए तो प्लीज़ मुझसे ईमेल पर कांटेक्ट कीजिए, फालतू मैसेज मत कीजिए और फालतू कमेंट तो बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना मैं कमेंट बॉक्स को डिसेबल कर दूँगा तो आप कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। कुछ तो बहुत ही अश्लील कमेंट लिखते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि वो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट ना करें जिसकी वजह से हमारा वीडियो खतरे में आ जाए, या फिर आपको भी देखने से मतलब YouTube कोई स्ट्राइक दे, ऐसा कमेंट या फिर ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और पार्ट 3 देखने के लिए और बहुत सारे वेब सीरीज देखने के लिए आपको ओमकार मंटर को सब्सक्राइब करके रखना होगा। सो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और उल्लू ऐप को देखते रहिएगा, हर एक वेब सीरीज को देखते रहिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।